पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। अगली प्रतिमा बाल रूप में बजरंग बली जी की दिख रही है, जो पंजाब कॉलोनी में स्थापित थी। पंजाब कॉलोनी की जो इस बार की प्रतिमा थी वो बहुत ही गजब का माहौल क्रिएट की थी। ये जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे राम नांगोड़े के डुप्लीकेट हैं, जो अपने परिवार के साथ आए हैं। पंधाना के पूर्व विधायक राम नांगोड़े जैसे नजर आ रहे थे, सोचा आपको दिखा दें। चलिए पंजाब कॉलोनी की जैसे ही बाल स्वरूप की प्रतिमा आती है आपको दिखाते हैं। हंडबा शहर में कुछ ऐसी प्रतिमाएं स्थापित थी जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा थी और वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी थी। और ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं पंजाब कॉलोनी में गणपति बप्पा की बाल स्वरूप में विराजित प्रतिमा थी, जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। ऐसी कई और प्रतिमाएं थी जिनके दर्शन हम आपको धीरे धीरे करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। रात भर कल दिन भर हमने मेहनत की, आपके लिए मेहनत की, ताकि बहुत से लोग खंडवा शहर और गाँव में घरों से नहीं निकल पाते किसी न किसी कारण से, उनको खंडवा का माहौल दिखा सकें। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गणपति बप्पा के दर्शन कराएं और झांकियों के दर्शन कराएं, यही हमने प्रयास किया। आप देख सकते हैं जो गणपति बप्पा हैं बाल स्वरूप में पंजाब कॉलोनी के श्री कृष्णा ग्रुप ने बिठाए थे, अंकित श्रीवास्तव और उनकी पूरे साथियों ने, ये गजब का माहौल बनाई हुई थी। और जैसे एक राजा मार्केट में निकलता है, अपने साम्राज्य में निकलता है, उसी तरीके से गणपति बप्पा जो पंजाब कॉलोनी के बाल स्वरूप के थे एक राजा की तरह निकले। और आपको बता दें कि रील्स पे जो हम इंस्टाग्राम पे डालने वाले हैं, फेसबुक पे डालने वाले हैं, वो रील्स में आपको दिखाएंगे कि कितनी शानदार आतिशबाजी भी गणपति बप्पा को लेकर की गई घंटाघर से दूसरी तरफ, क्योंकि हम इस तरफ खड़े होते हैं, हमारी एक टीम आगे की तरफ खड़ी हुई थी बॉम्बे बाजार की तरफ, जहाँ पर ज़्यादातर आतिशबाजी ज़्यादातर गणेश जी के आयोजकों द्वारा की जा रही थी, उसको भी हमने कवर किया है। आप इंस्टाग्राम पर भी अगर हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम पर भी अपडेट देते हैं, लेकिन पहले यूट्यूब पर देते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पर देते हैं और फेसबुक पर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार माहौल खंडवा शहर में देखा गया। अंकित श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सहित उनकी पूरी टोली ने रास्ते पर जमकर आतिशबाजी की और गजब का माहौल खंडवा शहर में दिया। वास्तव में खंडवा शहर के युवाओं ने बहुत मेहनत की और केवल पंजाब कॉलोनी नहीं अपितु लगभग खंडवा शहर की जितने भी गणपति बप्पा विराजित थे, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं युवाओं की टीम की मेहनत से स्थापित कराई गई और उतने ही भव्य तरीके से गणपति बप्पा को विदाई भी दी गई।
पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।